हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे जस्टिस। लास्ट सेशन में हमने किया फीचर्स ऑफ जस्टिस एंड आज हम करेंगे वेरियस डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। जस्टिस के कौन कौन से डायमेंशंस हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं। जस्टिस के डायमेंशन को हम फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। लीगल डायमेंशन का मीनिंग क्या है, जो एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस लॉ के ऊपर बेस्ड है। अगर हमारे देश के लॉज जस्ट होंगे तो सब में इक्वल जस्टिस मिलेगी। तो जस्टिस को अचीव करना हर एक ह्यूमन का टारगेट होता है। अगर हमको जस्टिस मिलेगा तभी हमारा वेलफेयर होगा। हम राइट्स की बात करते हैं, हमारी प्रॉपर डिवेलपमेंट के लिए हमको राइट्स मिलने चाहिए। राइट्स की यूजेस तभी है जब हमें जस्टिस मिलेगा। तो अगर हमारे राइट्स को कोई प्रोटेक्ट कर सकेगा, अगर हमारे लॉ, हमारी स्टेट, हमारी जुडिशरी हमारे देश के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, उनके लिए काम करे, उनको प्रोटेक्शन दे, उनको जस्टिस दे, तभी हमारी राइट्स लिबर्टी का बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए अगर हम चाहते हैं समाज में सभी लोगों का वेलफेयर हो तो सबको जस्टिस जरूर मिलना चाहिए। तो लीगल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट को, जुडिशरी को, हर एक इंसान को जस्टिस प्रोवाइड कराना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जो लीगल डिमेंशन है इसमें हम कहते हैं जो लॉस है वो कौन बनाता है, स्टेट। इम्प्लीमेंट कौन करता है, स्टेट। मीन्स लॉ को बनाने वाले और लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है, हमारी सॉवरेन बॉडी दैट इज स्टेट। अगर सॉवरेन बॉडी हमारी देश की सरकार ही लॉ बना रही है और इम्प्लीमेंट कर रही है तो लॉ होने कैसे चाहिए, लॉ ऐसे बनने चाहिए जिससे हम सबका वेलफेयर हो। अगर हम सबका वेलफेयर होगा तभी तो लॉ का बेनिफिट है। इसीलिए हम चाहते हैं लॉस कैसे होने चाहिए जिससे हम सबका वेलफेयर हो। तो हम ये कहते हैं जो सरकार है वो लॉ बना रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, establish justice, just law बनाएगी तभी जाकर सोसाइटी का डेवलपमेंट होगी। हम कहते हैं हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा जस्टिस मिलती है। अगर लॉ जस्ट होंगे तभी तो हमें जस्टिस मिलेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि लीगल डायमेंशन स्टेट ही जस्टिस को इंश्योर करती है। अगर स्टेट एक जस्टिस को इंश्योर करेगी तब जाकर सोसाइटी के हर एक मेंबर का वेलफेयर हो सकता है। अगर हम चाहते हैं हमको प्रॉपर लीगल एस्पेक्ट से जस्टिस मिले इसके लिए क्या जरूरत है, फर्स्ट वन इज लॉ शुड बी जस्ट एंड फेयर। क्योंकि लॉ बनाने वाली स्टेट है, अगर स्टेट जस्ट एंड फेयर लॉ बनाएगी तभी जाकर हम उन लॉ को मानेंगे, तभी जाकर हम सबके साथ जस्ट होगा। इसीलिए फर्स्ट थिंग क्या है, लॉ एक देश में जस्ट होने चाहिए, फेयर होना चाहिए, जिसको सभी सोसाइटी के मेंबर्स एज सच एक्सेप्ट करें। अगर लोग लोगों के अंगेस्ट होंगे, उनके वेलफेयर के अंगेस्ट होंगे, क्या हम वो लॉ मानेंगे। हम स्ट्राइक करते हैं, हम धरना देते हैं, हम रैली करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो सरकार लॉ बना रही है हम उनके अंगेस्ट हैं, वो लॉ जस्ट नहीं है तभी तो अंगेस्ट होते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है, स्टेट को ऐसे लॉ बनाने चाहिए जो जस्ट हो, फेयर हो, जिससे सबको जस्टिस मिले। क्योंकि लोग भी वही लॉ ओबे करते हैं जो जुडिशियस होते हैं, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या है, लॉ जस्ट एंड फेयर होने चाहिए। नंबर टू, जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉस। अगर लॉ जस्ट बनेंगे एंड उसके बाद किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी कास्ट या फिर पॉलिटिशियन के बेस पर, इकोनॉमिक मैटर्स के बेस पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। अगर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो हम कहेंगे हमारे समाज में क्या है, जस्टिस है। जब एक न्याय मूर्ति जस्टिस देती है तो उसके लिए सभी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जब न्याय दिया जा रहा है तो न्याय किसके अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉज। इसीलिए कहते हैं जस्टिस शुड बी डन अकॉर्डिंग टू लॉज बाय सिविल सर्वेंट्स एंड द जुडिशरी। अगर हमारे देश के सिविल सर्वेंट्स हैं, हमारे देश की जुडिशरी है, जब वो जस्टिस देते हैं तो
तो उनको लॉ को फॉलो करना चाहिए। जो जस्ट लॉ है इससे इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रमोट होती है, इससे इम्पार्शल जस्टिस होता है, जिससे पूरे समाज का वेलफेयर होता है। नंबर थर्ड, पर्पस ऑफ पनिशमेंट। अगर हम गलत काम करते हैं, लोगों को ब्रीच करते हैं, हमें क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट कैसे मिलनी चाहिए? सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए पनिशमेंट का? तो पनिशमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रिफॉर्मेटिव, ना कि किसी रिवर्स लेने की, बदला लेने की भावना से किसी को पनिशमेंट दी जाए। सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं तो उसको सुधारने के लिए दे रहे हैं। रिफॉर्मेटिव टाइप ऑफ पनिशमेंट होनी चाहिए। जैसे गांधी जी की आइडल स्टेट में भी हम देखते हैं, गांधी जी किसको फेवर करते हैं? कहते हैं जो भी पनिशमेंट दी जाएगी वो रिफॉर्मेटिव होगी। अगर रिफॉर्मेटिव होगी तो इसका मीनिंग क्या है? एक पर्सन ने अगर कोई क्राइम कमिट किया है, उसका रीजन क्या था? मे बी उसकी सिचुएशन ऐसी थी, उसने वो क्राइम किया, तो हमको उसको रिफॉर्म करना चाहिए, ना कि उससे बदला लेना चाहिए। तो रिफॉर्मेटिव टाइप ऑफ पनिशमेंट होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, इम्पार्शल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जी सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें जस्टिस देगा कौन? हमारे देश की जुडिशरी। अगर जुडिशरी ही सरकार के हाथों की कठपुतली होगी, क्या हमें न्याय मिलेगा? इसीलिए सरकार के अंडर नहीं काम करनी चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट ब्रांच होनी चाहिए। हमारे देश में भी हमने अपनी जुडिशरी को सबसे सुप्रीम अथॉरिटी बना रखा है, इंडिपेंडेंट ब्रांच बना रखा है। इसीलिए अगर किसी देश में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी और किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेगी, तब जाकर लोगों को जस्टिस मिलेगा। नेक्स्ट इज इक्वेलिटी बिफोर लॉ। जी भी जरूरी है कि सभी के सभी पर्सन इक्वल होने चाहिए, लोग के आगे सभी इक्वल हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा, चाहे कोई पॉलिटिशियंस है, कोई रिच पर्सन है, चाहे कोई आम व्यक्ति है, कोई गरीब पर्सन है, इसके बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर ऐसा होता है तब जाकर समाज में सब लोगों को जस्टिस मिलता है। देन इन एक्सपेंसिव एंड एफिशिएंट जस्टिस, जो जस्टिस है उसमें नया लेते लेते ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गरीब पर्सन की सारी प्रॉपर्टी खत्म होगी, उसका सारा पैसा खत्म हो गया। अगर जस्टिस लेने के लिए मुझे सारी अपनी इनकम को खत्म करना पड़ेगा, क्या मैं जस्टिस की डिमांड करूंगी? नहीं। जस्टिस के लिए जरूरत है कि मुझे सस्ते में न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस बहुत चीप रेट पर होना चाहिए। अगर ये एक्सपेंसिव होगा तो गरीब लोग तो जस्टिस के लिए आवाज ही नहीं उठाएंगे। इसीलिए जरूरत है जस्टिस इन एक्सपेंसिव एंड एफिशिएंट होना चाहिए। तो ये था लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस। नाउ पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, इसका मीनिंग है कि हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, स्टेट को रन कर रहे हैं। स्टेट को रन कौन करता है? बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को बनाने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, हम उसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं। इसीलिए सरकार बनाने के लिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है, उन सब में लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। जैसे हम कहते हैं फर्स्ट बने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, हम कहते हैं कि हमें देश का एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हम भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। इसके लिए जरूरत है, अगर हम अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन एज सच एमपी एमएलए नहीं बनकर दे सकते, तो हम अपने पसंदीदा एमपी एमएलए तो चूज कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत है जितने भी पर्संस हैं उस देश के लोगों को अडल्ट बेस पर, यूनिवर्सल अडल्ट बेस पर वोटिंग का राइट होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं हमारे देश में जो पर्सन 18 इयर्स यानी इससे अबव होता है उसको वोट देने का राइट है। वैसे इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं की गई। जब किसी पर्सन के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी तो पॉलिटिकल जस्टिस होगा। जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस सिर्फ जो 10% रिचेस्ट पर्सन थे उन्हें कोई वोट देने का राइट था, जी तो गलत था। हर एक पर्सन को पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन का कोई राइट नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, मुझको राइट होना चाहिए। अगर मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी से आइडियोलॉजी नहीं मिल रही, तो मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकूं,
एंड मैं इलेक्शन भी लड़ सकूं, अगर मैं कंट्रीब्यूट डायरेक्टली करना चाहती हूँ, डायरेक्टली मैं एमपी एमएलए बनना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, तो मुझे भी फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं। नंबर थर्ड, राइट टू क्रिटिसाइज अ गवर्नमेंट। हमारी देश की गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है। अगर वो सही काम नहीं कर रही, सही लॉ नहीं बना रही, सही पॉलिसीज नहीं बना रही, तो मुझे चीज दिखार होना चाहिए कि मैं गवर्नमेंट के उस काम को, उस लॉ को क्रिटिसाइज भी कर सकूं, तभी जाके पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा कि हाँ अगर देश की सरकार है वो लोगों के साथ गलत करेगी तो हम उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकती हूँ अगर सरकार मेरी बात नहीं मानती, हम आम लोग हैं, हमारी बातों को नहीं माना जा रहा, तो हम मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, हम भी पार्लियामेंट तक जा सकते हैं, हम भी नए लॉ बना सकते हैं। तो इसके लिए जरूरत है एक नई पॉलिटिकल पार्टी की, जो हम सबको राइट दिया गया है, तो जस्टिस मिलेगा। अगर सरकार को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम सरकार से चाहते हमारे लिए लॉ बनाए जाए, हमारे वेलफेयर के लिए काम किया जाए, अगर सरकार नहीं मानती तो हम अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं। अगर मुझे जे राइट मिलेगा तो मुझे पॉलिटिकल जस्टिस है, हमारे देश में हमको जे राइट दिया गया है। एंड नेक्स्ट इज राइट टू प्रोटेस्ट। सरकार ने मुझको राइट दिया है कि मैं प्रोटेस्ट कर सकूं, अगर मुझे सरकार की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर सकती हूँ, मैं रैली कर सकती हूँ, मैं धरना दे सकती हूँ, मैं घेराबंदी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सरकार मुझे प्रोटेस्ट करने का राइट देती है, इट इज माय पॉलिटिकल जस्टिस। राइट टू पिटीशन। अगर सरकार कुछ मेरे अगेंस्ट कर रही है तो मैं जुडिशरी में पिटीशन भी दाखिल करवा सकती हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती हूँ, सरकार के अगेंस्ट अपनी पिटीशन भी दाखिल करवा सकती हूँ, तो अभी जाकर हम कहेंगे जस्टिस मिल रहा है। देन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स हम कहते हैं यूनाइटेड डिक्लेरेशन, हमने वो साइन किया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं हमारे देश के सभी लोगों को ह्यूमन राइट्स मिले, उनका वेलफेयर हो, इसके लिए हमने यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन था, हम उस डिक्लेरेशन को साइन करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने 30 राइट्स अपने देश के लोगों को दिया जिससे उनका वेलफेयर हो। हम नहीं चाहते हमारे राइट्स हैं वो वायलेट हो, तो हमें वो राइट भी मिले हैं, उसकी भी सरकार को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटीज। हम कहते हैं कास्ट कुछ भी नहीं है, कास्ट क्रीड से आगे हमको चलना होगा, एजुकेशन का पर्पस यही है कि हम कास्ट को ना मानकर हम ह्यूमैनिटी को मानते हैं। अगर फिर भी हमारे समाज में कुछ ऐसी क्लासेस हैं, ऐसी कास्ट है जो पीछे रह गए हैं, तो उन मिनोरिटी की इंटरेस्ट की हमको प्रोटेक्शन करनी चाहिए, ये भी हमारा ही राइट है, अगर ऐसा होगा तो उनको भी पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। देन पॉलिटिकल अथॉरिटी शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ पीपल। जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, पॉलिटिकल लॉ है, सब किसके ऊपर बेस्ड होने चाहिए? ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल। अगर लोग अपनी कंसेंट देते हैं तभी जो पॉलिटिकल लॉस है उनकी वैलिडिटी, अदरवाइज उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम। हम कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगी कहाँ? इन डेमोक्रेसी। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसको पॉलिटिकल जस्टिस मिलती है, अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है तो उसको पॉलिटिकल जस्टिस नहीं मिलेगी। देन प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस एंड ट्राइब्स। जो हमारे देश में आज भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड ट्राइब्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए सरकार को कुछ एफर्ट्स करने चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करना भी हमारा पॉलिटिकल फैक्टर आता है, पॉलिटिकल जस्टिस के अंडर ही कंसीडर किया जाता है, तब जाकर हम कहते हैं कि हमको पॉलिटिकल जस्टिस मिल गया। तो ये थे कुछ कंडीशंस जिस वजह से हम कहते हैं कि सरकार हमको जस्टिस दे रही है। तो आज हमने लीगल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन में जस्टिस किया, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस। होप सो कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।